है ना। चलो स्वास्थ्य से आज शुरू करें। व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशन या अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जब हम बात करें, तो सबसे पहले बात यह कर ले कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो विषय है ये तुम्हारे मुख्य परीक्षा का पार्ट है। प्रीलिम्स में इसका कोई रिलेवेंस है नहीं, ठीक है। अगर प्रीलिम्स में इससे कोई क्वेश्चन आया भी है या आते भी है तो दो या तीन प्रश्न आएंगे, वो भी संगठनों से जुड़े हुए, और मुख्य रूप से वो प्रश्न अंतरराष्ट्रीय संबंधों के ना कहकर वो किसके कहे जाते हैं, करेंट अफेयर्स के, ठीक है। समसामयिकी से जुड़े हुए वो प्रश्न होते हैं, जो न्यूज में होता है वहीं से वो सारे प्रश्न होते हैं। जो कोर अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो मुख्य रूप से आपकी मुख्य परीक्षा में ही आता है, प्रारंभिक परीक्षा में उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब जब प्रारंभिक परीक्षा में नहीं है, सिर्फ मुख्य परीक्षा में है, तो मुख्य परीक्षा में यह आपके जीएस के पेपर सेकेंड में है, ठीक है। और जीएस के पेपर सेकंड में अंतरराष्ट्रीय संबंधों के साथ कुछ अन्य विषय भी मौजूद है, जैसे कि पॉलिटी, ठीक है, राजव्यवस्था, गवर्नमेंट, शासन, ठीक है, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, ठीक है। उसके साथ ये अंतरराष्ट्रीय संबंध एक विषय के रूप में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब पूरा कोई एक विषय है नहीं अंतरराष्ट्रीय संबंध जो आपके मेंस में काम आने वाला है, ठीक है। बट और जहां तक इस सब्जेक्ट की बात है, यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं या जो पूछे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चार प्रश्न, ठीक है, तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। सो दो प्रश्न, तीन प्रश्न, चार प्रश्न बहुत हो गया, ठीक है, तो पांच प्रश्न तक पहुंचेगा। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। वो चार प्रश्नों का मतलब होता है लगभग 50 से 60 मार्क्स, ठीक है। सो आपके मेंस एग्जामिनेशन में इस सब्जेक्ट का जो औचित्य है, जो महत्व है, वो 50 से 60 शब्दों का कह रहा हूं, 50 से 60 अंकों का महत्व है। बट यूपीएससी जैसे एग्जाम में जहां हर एक अंक का महत्व है, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है, वहां पे ये 50 से 60 मार्क्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है तुम्हें इस विषय को पढ़ते हुए, ये जो सब्जेक्ट है बेटा, ये बहुत ज्यादा डायनामिक है, ठीक है, अत्यधिक गतिशील है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है जो आज है वही स्थिति कल भी होगी। कल तक भारत और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। युद्ध शुरू हुआ फरवरी 2022 में, ठीक है, फरवरी 2022 से लेकर 2024 सितंबर आ चुका है, ठीक है। इस समय के दौरान भारत द्वारा किसी भी तरीके से रूस और यूक्रेन युद्ध के संबंध में एक तरीके से कहा जाए तो गैर हस्तक्षेप की नीति अपना रखी थी, बट यही गैर हस्तक्षेप अब बदल गया। अब भारत सक्रिय रूप से भागीदारी करने में शामिल हो गया है। पिछले ही महीने हमारे प्रधानमंत्री साहब रूस भी पहुंचे, रूस के साथ, फिर उसके बाद अगली ट्रिप पर यूक्रेन पहुंच गए, और अब भारत एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है रूस और यूक्रेन युद्ध में। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? आवश्यक नहीं है कि जो निर्णय कल था वही निर्णय आज हो, या जो निर्णय आज है वही निर्णय भविष्य में हो। समय और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय बदले जाएंगे और बदलते रहते हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संबंध इतना ज्यादा गतिशील है, ठीक है, इतना ज्यादा डायनामिक है, इसीलिए यहां पर सब्जेक्ट से ज्यादा या कंटेंट से ज्यादा जरूरी होगी तुम्हारी समझ, कि तुम इन चीजों को, इन संबंधों को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे, तुम इन संबंधों को का विश्लेषण करने में सक्षम हो अथवा नहीं। विश्लेषण करने में कोई समस्या तो नहीं उत्पन्न हो रही है,
इन चीजों पर अधिक ध्यान रहना चाहिए, इन चीजों पर ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम दो तरह से बातें करेंगे, एक उन संबंधों को लेकर उसका इतिहास, उदाहरण के तौर पे अगर भारत पाकिस्तान की बात कर ले, ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के संबंधों का इतिहास क्या रहा है, भारत और अमेरिका के संबंधों का इतिहास क्या रहा है, वो भी अच्छा, जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा से अच्छा ही नहीं रहा, उतार चढ़ावों से भरा रहा है, ठीक है। वहीं कुछ देश ऐसे जिनके साथ हमारा संबंध हमेशा से अच्छा रहा, भूटान हो गया, नेपाल के साथ भी उतार चढ़ाव हो गए, ठीक है, भूटान हो गया, भूटान के साथ कभी संबंध हमारे खराब नहीं हुए, हमेशा अच्छे ही रहे, ठीक है। आसियान की बात कर ले तो आसियान के साथ हमारे संबंध हमेशा से अच्छे से रहे, ठीक है। बट अंतरराष्ट्रीय संबंधों में कोई भी स्थिति स्थिर नहीं होती, तो हमें देखने के लिए, हमें समझने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले उन संबंधों का इतिहास देखना होगा, उस संबंधों के इतिहास के बाद उन संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है इसके बारे में विश्लेषण करेंगे, और इनके आधार पर इन संबंधों का भविष्य क्या हो सकता है इसका अनुमान लगाना ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों का महत्व है या उपयोगिता है। क्योंकि सिर्फ समझना जरूरी नहीं है बेटा, तुम लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें विदेश सेवा में जाना है, ठीक है, प्रशासनिक सेवा में नहीं, पुलिस सेवा में नहीं, उनका सपना होगा विदेश सेवा में जाने का। तो ऐसे बच्चे जिन्हें विदेश सेवा में जाना है, उनके लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध सिर्फ एक विषय नहीं है, ये पूरा उनका जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि अगर वो भारत की तरफ से पाकिस्तान के राजनयिक बनते हैं, ठीक है, तो भारत पाकिस्तान संबंध उन पर निर्भर करेगा। अगर वो अमेरिका के लिए भारत के राजदूत बनते हैं, तो भारत और अमेरिका के संबंध किस तरह के होंगे, किस दिशा में जाएंगे, सुधरेंगे खराब होंगे, ये पूरा का पूरा जिम्मेदारी किस पे होती है, राजदूतों पर, ठीक है। तुम्हें ये बात के आश्चर्य होगा कि हमारे जो वर्तमान विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, ठीक है, ये पहले भारत के विदेशी राजनयिक रहे हैं, ठीक है, थीके? और जब अमेरिका पहली बार हमारे प्रधानमंत्री गए थे, वर्तमान प्रधानमंत्री, ठीक है, उनका पूरा का पूरा जो इवेंट था, जो उनका पूरा का पूरा कार्यक्रम था, उसका आयोजन और उस आयोजन को सफल बनाने के पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति का हाथ था, वो था एस जयशंकर साहब, ठीक है। और वर्तमान प्रधानमंत्री इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि जब वो रिटायर हुए जयशंकर साहब अपनी सेवा से, उन्हें सीधे सीधे आमंत्रित किया गया कि आप मंत्रिमंडल में शामिल होइए, और सीधे कौन सा दर्जा दिया गया, कैबिनेट मंत्री का, ठीक है, वरना मंत्री मंत्रिमंडल में तीन स्तर होते हैं, उपमंत्री, राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण दर्जा होता है कैबिनेट मंत्री का। इसका मतलब क्या हुआ, जो राजदूत है वो भारत की विदेश नीति के क्रियान्वयन में और भारत की विदेश नीति को निर्धारित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। और यही काम तुम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि सिर्फ इतना नहीं है कि तुम विदेश सेवा में हो इसीलिए तुम्हें जरूरत है, भारत में भी अगर तुम प्रशासनिक सेवा में भी हो तो बहुत से देश है जिनके अलग अलग परियोजनाएं भारत में चलती है, बुलेट ट्रेन बात कर ले, माल गलियारे की बात कर ले, ठीक है, तो अलग अलग परियोजनाएं भी है, उन परियोजनाओं को लेकर भारत और अन्य देशों के जो संबंध है उनके बारे में भली भांति सोच और समझ होनी चाहिए, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संबंध एक महत्वपूर्ण विषय है। इतना समझ में आया कि यह विषय क्यों जरूरी है, और इस विषय को समझने के लिए उसका इतिहास और उसका वर्तमान दोनों समझना है, और उसी के आधार पे सिर्फ वर्तमान तक बात नहीं रुकेगी बेटा, तुम्हें भविष्य का संबंध किस तरह के हो सकते हैं इसका अनुमान भी लगाना जरूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंध भविष्य की संभावना से
जुड़ा हुआ विषय है कि कल क्या हो सकता है। क्या चीन बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है? तो अगर चीन बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है तो उस स्थिति में भारत के लिए कुछ ऐसी नीति का पालन करना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा जो चीन की बढ़ती हुई ताकत को रोक सके, अन्यथा हम तो पिछड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये सोचना कि चीन क्या क्या कर सकता है वो भारत के लिए बहुत जरूरी है, और उसके आधार पे हमारी नीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो समझ में आया ये सब्जेक्ट रखा क्यों है एग्जाम में। उसके बाद अगर सिलेबस की बात करें अंतरराष्ट्रीय संबंध का, तो इसका सिलेबस बहुत छोटा सा है बेटा। ठीक है, सिलेबस बहुत छोटा सा है बट डायनेमिक बहुत ज्यादा है, और पढ़ना काफी ज्यादा है, और पढ़ने से ज्यादा समझना काफी ज्यादा है। ठीक है, और क्यों बहुत ज्यादा समझना है? क्योंकि जो सिलेबस दिया हुआ है वो इस प्रकृति का है कि उसके बहुत सारे विश्लेषण हो सकते हैं, बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में वो है भारत और उसके पड़ोसी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम लोगों को पढ़नी पड़ेगी वो है भारत और उसके पड़ोसी। ठीक है, सो पड़ोसी चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, या समुद्री पड़ोसी। ठीक है, श्रीलंका और मालदीव्स। ठीक है, तो भारत का उनके पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंध किस तरह का है, और इन पड़ोसी राष्ट्रों के संबंध को समझने के लिए उससे पहले हमें क्या समझना होगा कि भारत की विदेश नीति क्या है। जब तक हम भारत की विदेश नीति नहीं समझेंगे उसके अलावा हम नहीं समझ पाएंगे कि भारत के अन्य देशों के साथ संबंध कैसे हैं, राइट? सो इसलिए विदेश नीति समझना जरूरी है, और विदेश नीति को समझने के बाद भारत के उसके पड़ोसी राष्ट्रों के साथ किस तरह के संबंध है उसे पढ़ना आवश्यक है, राइट? सो ये पहला टॉपिक हो गया तुम लोगों का जो पढ़ना है। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में वो ये है कि भारतीय हितों से जुड़े अथवा प्रभावित करने वाले सभी द्विपक्षीय क्षेत्रीय या वैश्विक समूह या संधि। अब यहां पे दायरा बढ़ गया है। यहां पे दायरा क्या हो गया है? भारत के हितों से जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, फिर चाहे वो द्विपक्षीय हो, क्षेत्रीय हो या फिर वैश्विक हो। जैसे कि अगर द्विपक्षीय की बात करें तो भारत और अमेरिका के संबंध पड़ोसी के साथ नहीं है, वैश्विक स्तर पर है, बट भारत और अमेरिका के संबंधों का प्रभाव क्या सिर्फ भारत पर पड़ता है? नहीं, रूस पर भी पड़ेगा, चीन पर भी पड़ेगा। ठीक है, भारत और रूस के बीच संबंधों का प्रभाव अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ेगा। ठीक है, बट इसमें मुख्य रूप से भारत के हित जुड़े हुए हैं। उसी तरीके से भारत के क्षेत्रीय हित भी है, एक हित दक्षिण एशिया में, एक हित हिंद महासागर में, एक हित हिंद प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो ये चीजें भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत के हित जुड़े हुए हैं इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से।
राइट। और फिर आते हैं वैश्विक, ठीक है, वैश्विक संधियां, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र हो गया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक हो गया, राइट। सो उन सभी चीजों में भारत के हितों को प्रभावित करने वाले तत्व या निर्णय मौजूद होते हैं, और इसीलिए ये सारी चीजें भी आप लोगों को पढ़नी होगी। क्लियर है? टॉपिक नंबर टू समझ में आ गया, इसमें सारी चीजें क्या पढ़ना है। तो यहां पे जब हम द्विपक्षीयों की बात करेंगे तो यहां पे हम बात करेंगे जितने भी महत्वपूर्ण देश है, अमेरिका, जापान, रूस, चीन, चीन तो खैर पड़ोसी देशों में शामिल हो जाएगा, यूरोप, यूरोप के जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, फिर क्षेत्रीय में आ जाएंगे तो आसियान शामिल हो जाएगा, सार्क शामिल हो जाएगा, ठीक है, एससीओ शामिल हो जाएगा। सो अलग अलग संगठन शामिल हो जाएंगे और वैश्विक स्तर पर अलग बातें की जाएगी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की बात हो जाएगी, ठीक है, मुद्रा कोष की बात हो जाएगी, ठीक है, विश्व बैंक की बात हो जाएगी। तो ये सारे चीज, IMF और वर्ल्ड बैंक, मुद्रा कोष, ये सारे आपके टॉपिक टू में आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा टॉपिक, भारतीय प्रवासी, इंडियन डायस्पोरा, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा की अगर बात करें तो आज की तारीख में भारतीय नागरिक सिर्फ भारत में बसे हुए है क्या? नहीं, हम विश्व के लगभग सभी देश में बसे हुए, और सिर्फ बसे हुए नहीं है, उन देशों की अर्थव्यवस्था को संचालित करने में भारतीयों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, रूस हो, सऊदी अरब हो, इजराइल हो या चीन, ठीक है, कहीं ना कहीं विश्व के प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में, उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, या भारतीयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर भारतीय प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है तो भारतीय मूल के नागरिक शामिल है, जैसे कि कमला हैरिस की बात कर ले, भारतीय मूल की महिला, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है। और अगर हम बात करें कनाडा की, ठीक है, तो कनाडा में तो दूसरी आधिकारिक भाषा ही पंजाबी है, ठीक है, और अगर सही रहा सारा कुछ, ठीक है, तो बहुत जल्दी हम एक सिख प्रधानमंत्री भी देख लेंगे कनाडा में, स्थिति इस तरह की है कनाडा की, ठीक है। तो कनाडा तो ये मान लो कि हमारा ही पंजाब है, पंजाब पार्ट टू, ठीक है, क्योंकि वहां की बहुत ज्यादा आबादी सिख समुदाय से संबंधित है, डन। सो इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि भारतीय प्रवासियों का प्रभुत्व या उपस्थिति विश्व राजनीति में, विश्व अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ठीक है। इसीलिए प्रवासी संगठन, ये सारी चीजें हमें देखनी है, ठीक है। उसके बाद चौथा टॉपिक है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे वो विश्व व्यापार संगठन हो, UNFCCC हो, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को लेकर सम्मेलन हो, ठीक है, या फिर परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह हो, ठीक है, क्यों, वैश्विक संगठन है बट इसका कहीं ना कहीं प्रभाव भारत पर भी पड़ता है, ठीक है। या फिर जैसे कोविड हो गया, कोविड के टाइम पे एक ऐसी आपदा थी जो संपूर्ण विश्व को अपने चपेट में लिया था, उस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन महत्वपूर्ण हो जाता है, वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, भारत उसका हिस्सा है, ऐसे में प्रश्न बनने की संभावना बढ़ जाती है जब कभी कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन अत्यधिक चर्चा में आता है।
ठीक है। सो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए पढ़ने के लिए, क्लियर है। सो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। हाँ बस ये चार टॉपिक है, ठीक है। मैंने कहा ना टॉपिक बहुत कम है, ठीक है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये मान के चलो 20 दिन तो कहीं नहीं गए, ठीक है, 20 से 25 दिन, ठीक है, एक महीना हमें लगेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, 50 से 60 घंटे, राइट। हाँ बट एक चीज है, विषय बहुत मनोरंजक है, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर लिखने वाली चीजें कम है, समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है बेटा, लिखवाऊंगा भी मैं कम, ठीक है, समझाऊंगा बहुत ज्यादा, और जब मैं समझाऊंगा बहुत ज्यादा तो इसका मतलब तुम लोगों को क्लास पूरे ध्यान से करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज जो उम्मीद है मुझे वो ये कि जब मैं पढ़ाते जाऊं, मैं समझाते जाऊं, तुम समझते भी जाओ और साथ ही साथ तुम्हारे हाथ चलते रहने चाहिए। ये तुम आराम से हाथ ऐसे बंद करके बैठ जाते हो ना कहानी सुनने वाले मुद्रा में, ठीक है, वो बंद कर दो। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में जहां बहुत ज्यादा विश्लेषण होने वाला है, वहीं पर उस विश्लेषण को समझना और समझ के तुरंत तुरंत लिखना ये तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर मैं लिखवाने गया हर एक चीज, ठीक है, तो ये 50-60 घंटे की जगह 150-200 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। और वो सारी चीजें उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने वो 2 से 4 प्रश्न है। तो बेहतर क्या होगा हमारे लिए कि हम चीजों को समझे ज्यादा, लिखे हर वो चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और जो चीज मैं लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा, कुछ कुछ चीजें लिखवाई जाएगी, ठीक है, वो चीजें अति महत्वपूर्ण होगी जो तुम्हें अपने उत्तर लेखन में शामिल करने ही करना होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझेंगे या पढ़ेंगे। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ एक और चीज, आज तो चलो पहला दिन है, कल से तुम लोगों के पास एटलस, ठीक है, अपने पास होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। अभी है तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। मोबाइल नहीं चलेगा बेटा, वजन ज्यादा हो कुछ नहीं, थोड़ा सा और बढ़ा लो एटलस का, ठीक है, बट वो एटलस तुम्हारे पास हमेशा होनी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के पास, ठीक है। ये नहीं कि ग्रुप बना के एक एटलस 4 लोगों के पास हो, ठीक है, तो वो चीजें नहीं चलेगी बेटा क्लास, समझना तुम लोगों को है, ठीक है। तो इस तरीके से एटलस, सिलेबस तो छोटा सा ही है, सिलेबस हम समझ लेंगे, उसमें ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लिखते चलना है, क्लियर है। ज्यादा ज्यादा कोशिश करेंगे चीजों को समझ ले, ठीक है, चीजों का विश्लेषण कर ले, और मेरी पूरी पूरी ये उम्मीद है, कोशिश है कि तुम लोग समझ जाओ कि अंतरराष्ट्रीय संबंध चलते कैसे, ठीक है, तुम लोग वो क्षमता विकसित कर लो कि तुम पूर्वानुमान लगाना शुरू कर दो कि अब होगा क्या, ठीक है। सो कोशिश इसी स्तर पे की जाएगी कि तुम लोग एक राजनीतिक के रूप में अपने आप को विकसित कर लो। डन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, बोलो बेटा। कोई बुक, जहां तक बुक की बात है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संबंध जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा गतिशील है, तो जो तुम पढ़ोगे आज, ठीक है, वो जब तक तुम मेंस लिखने जाओगे जितनी चीजें पढ़ोगे वो आधे से ज्यादा महत्वहीन हो जाएगी। फिर भी अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो खन्ना की एक किताब आती है अंतरराष्ट्रीय संबंधों की, पवनीत सिंह की एक किताब आती है अंतरराष्ट्रीय संबंधों की, ठीक है, उनमें से कोई भी एक पढ़ सकते हो। बट एक चीज और समझा दूं तुम्हें, इन किताबों में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें दी होगी जो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, तो वहां फिर वो तुम्हें बचना होगा, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें, पवनीत सिंह की ही किताब लगभग 700-800 पेजेस की है,
ठीक है, और वो 700-800 पेजेस पढ़ के 4 क्वेश्चन, ठीक है, और वो भी सिर्फ 50%, क्योंकि 50% तो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है ना, जो भी क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर्स बेस्ड आएंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतिहास पढ़ने के लिए संबंधों का तुम पवनीत सिंह पढ़ सकते हो, ठीक है, अन्यथा जो मुख्य स्रोत होगा तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से बेहतर तुम्हारे लिए कोई विकल्प नहीं है। और जिन लोगों का ऑप्शनल वैकल्पिक विषय राजनीति विज्ञान है, PSIR ऑप्शनल है, ठीक है, उन लोगों के लिए एक मैगजीन आती है बेटा, वर्ल्ड फोकस, ठीक है, वर्ल्ड फोकस करके एक मैगजीन आती है, वर्ल्ड फोकस, ठीक है, सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका PSIR ऑप्शनल है, जिनका नहीं है छूना भी मत, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाई लेवल की बुक है, ठीक है, इन डेप्थ चीजें दी होगी उस किताब में, और सिर्फ वैकल्पिक विषयों वालों के लिए है, होती है। तुम्हारे लिए कोई भी जो मंथली मैगजीन है उसमें जितना भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ न्यूज है वो काफी होगा, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को GS के दृष्टिकोण से, ठीक है। सो अप्रोच समझ में आ गई, क्या करना है, किताब समझ में आ गई कौन सी पढ़नी है, न्यूज़पेपर बेटा ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो बस, ठीक है। न्यूज़पेपर में वो जो विश्व वाला पन्ना है मैंने बताया भी था, उसमें क्या पढ़ना है, हर वो न्यूज जो भारत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो या भारत के हितों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हो, हर वो चीज तुम्हें पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए। डन? अभी कोई डाउट या क्वेश्चन? नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चों का, इनको पे भी नजर रख लेंगे बीच बीच में ना, वैसे होंगे नहीं, नहीं है ही नहीं, बढ़िया, रिकॉर्डेड क्लासेस वाले, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना, मेरा सिंपल सा फंडा होता है बेटा, पढ़ो उतना ही जितना जरूरी है, अननेसेसरी खुद पे वजन बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है ना। मैं बोल दू 4 किताबें पढ़ लेना बेटा ये सारी, ठीक है, विश्व इतिहास की किताबें भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना, वो भी पढ़ लेना, ठीक है, और फिर तुम्हारा होगा सरदर्द ये सारी किताब पढ़ के, ठीक है, तो वो आवश्यकता नहीं है ना। जैसे मैंने कहा 700-800 पेजेस की किताब पढ़ोगे और प्रश्न आएंगे 4, उससे अच्छा मेरी 60 घंटे की क्लास कर लो, वो 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, सिंपल, और न्यूज़पेपर पढ़ते चलो, है ना, ज्यादा फायदेमंद क्या है, नहीं पढ़ना ना, न्यूज़पेपर पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है, सिंपल। चलिए, और कोई डाउट या कोई क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड? नहीं? पक्का?